गवाई बिन पढ़े, उम्र गवाई बिन पढ़े, समझ न आई बात, समझ न आई बात, जब समझो तब ही भला, जब समझो तब ही भला, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात। कोई बात नहीं, अगली बार देखना मैं ही सरपंच बनूंगा। जरूर दादा। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था जग्गू कि किसना को इतना मत मारना कि पुलिस केस हो जाए, लेकिन तेरी मोटी अकल में बात आई नहीं। दादा क्या हुआ, मैंने जो लाठी मारी थी ना वो जरा जोर से लग गई। और वो अस्पताल में टैंप बोल गया हैं? अरे अब पुलिस मुकदमा बनाएगी और तुझे होगी फांसी, समझ गया? अब क्या होगा दादा? ना क्या, पकड़ेगी पुलिस तुझे? अरे मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे वो दिन गए जब बंसी पांडे सरपंच हुआ करते थे, अरे तब हमारी चलती थी, अब कौन पूछता है हमें। दादा देख, मैंने तुझे पहले ही आगाह किया था कि पुलिस का मुकदमा मत होने देना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दादा मैं एक काम करता हूँ, मैं गांव छोड़कर ही भाग जाता हूँ। अबे भाग सकता है तो भाग जा, लेकिन कितने दिन तक भागेगा? अरे खून का इल्जाम सर पे लेके ही घूमेगा ना, और पुलिस होगी पीछे पीछे। दादा अब आप ही मुझे बचा लीजिए, आप ही कुछ कीजिए दादा। तो एक काम कर, तो निकल ले यहाँ से। अरे अगर पुलिस ने तुझे मेरे साथ देख लिया ना तो मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। अरे मेरे ग्रह तो वैसे ही खराब चल रहे हैं, चल निकल यहाँ से। चल चल निकल ले भाई अब। अच्छा दादा चलता हूँ। अरे आओ बसे सर। राम राम पांडे जी। हाँ हाँ राम राम, बैठो, क्या खबर है? अरे तुम्हारी पंचायत की मीटिंग का क्या हुआ? अरे पांडे जी, जिस चीज की आपको चिंता थी उसके बारे में तो जिक्र ही नहीं हुआ। पुराने खर्चे और हिसाब किताब के बारे में, उसकी जांच तो क्या, उसके बारे में किसी ने चर्चा ही नहीं की। अब क्या बताऊं बसे सर, जब से पंचायती राज कानून ने महिलाओं को आरक्षण दिया है ना, अरे मेरे तो सरपंच बनने के सपनों पे ही पानी फिर गया। सो तो है, कहां बंसी पांडे जी नरसिंहपुर के एक छत्र राजा थे, और कहां ये नई सविता देवी ने पंचायत की गद्दी संभाल ली। एक बात सुन लो बसे सर, पंच तो तुम भी चुने गए हो ना, अरे मैं सविता देवी को चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये तो वक्त बताएगा पांडे जी। बहरहाल तो ऐसा लगता है कि सविता देवी सबको साथ लेकर काम करना चाहती है। रोज सुबह सुबह उठकर वो गांव के हर घर में जाती है और हालात का जायजा लेती है। आई बहन, जहां देखे बहन, जवान लड़कियों तक को नहीं छोड़ते, हर तरफ शोषण ही शोषण है। यहाँ कौन रहता है? यहाँ बहन बसंती। अच्छा, बसंती, बसंती जरा बाहर आओ, देखो गांव के सरपंच आई है। अरे और कोई नहीं है, अपनी सविता बहन है, आओ। ये तो बहुत दुखी लगती है। हाँ बहन, इस बेचारी के साथ भी जुल्म कुछ कम नहीं हुआ है। इस गांव के ठेकेदार जोरावर सिंह के बेटे ने इसका बलात्कार किया, उसके बाद ये पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई, लेकिन वहां इसे पता नहीं था कि इसके निरक्षर होने का फायदा उठाया जा रहा है। वहां रिपोर्ट में कुछ और ही लिखा जा रहा था, और उसके बाद वो मामला कई सालों तक बंद हो गया। हाँ, ये बेचारी कहती है काश अगर ये पढ़ी लिखी होती तो उस वक्त पुलिस स्टेशन में जाकर खुद अपने आप रिपोर्ट लिखती, कसूरवार को सजा दिलवाती। लेकिन अब इस बेचारे की जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है। औरतों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ हम औरतों को एक साथ इकट्ठा होकर एक ताकत से लड़ना होगा, और ये ताकत आएगी पढ़ने लिखने से, साक्षर होने से। अब औरतें और ज्यादा अन्याय नहीं सहेंगी। देखो अभी हम जल्दी में हैं। कौशल्या, बसंती को लेकर किसी दिन मेरे घर जरूर आना। अच्छा,
चलती हूँ अभी। अधिकारी से मिलने के लिए भेजा था जी, मिलके आए जी। मैं परसों ही उनसे मिलकर आई थी, आपका प्रस्ताव भी रखा था वहाँ पर, बहुत समझाया उन्हें, लेकिन लेडी की बहन आप ही को जाना पड़ेगा। अच्छा, आप ऐसा करना, दो तीन दिन में चलने की तैयारी करो। अभी हम किससे मिलने जा रहे हैं? अभी ये रामदेव। अच्छा, ये है रामदेव। हाँ बहन, आई। आओ बहन जी, आओ राम राम, बैठो बैठो इधर को। रामदेव बहन, इसके परिवार में इसका एक ही लड़का बचा था, वही इसका जीने का सहारा था, लेकिन दो बरस पहले एक ट्रक दुर्घटना में वो भी इसको छोड़कर चला गया। बेचारी तब से बहुत अकेली हो गई है, इसने अपने गुजारे के लिए बनी से कर्ज लिया और उस बनी ने इसके घर को ही खाते पर दर्ज कर दिया। हाँ, तब से बेघर हो गई है बेचारी। कहती है इसे क्या पता बनी ने खाते पर क्या लिख दिया, और तभी से बेचारी बहुत गुमसुम रहती है। अब इसके रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। अगर हमारी बहनें जरा भी साक्षर हों तो कम से कम ऐसी मुसीबतें तो नहीं आएंगी उनके ऊपर। अगर ये लोग जरा भी पढ़ना लिखना सीख लें, थोड़ा भी पढ़ना लिखना सीख लें, तो कोई भी बनिया जैसा आदमी इनके साथ बेईमानी तो नहीं करेगा ना। बहन बुरा ना मानना, कहती सब है और करती कोई नहीं है। हम गाँव की 8-10 औरतें पीछे सड़क बनाने का काम करती हैं, मजूरी करती हैं, और जो वो ठेकेदार का मुंशी है वो रुपये दे के हमसे अंगूठा लगवा लेता है, जो देता है सो ले लेते हैं हम। और जब पूछो तूने कितने रुपयों पे हम पे से हमसे लगवाया तूने अंगूठा, तो कहवे है जितना दिया है उत्ते पे हमने अंगूठा लगवाया है। और फिर पूछते हैं तो कह देता है, कागज आगे पटक देता है, कहता है देख लो क्या लिखा है। अब हम ठहरी गांव की अनपढ़ औरतें, क्या पढ़ें? आपको कितनी बार कहा है कि हमारे लिए एक स्कूल खोल दो, हम गांव की अनपढ़ औरतें पढ़ना चाहती हैं, आप हमारे लिए कुछ करो ना। करूंगी, जरूर करूंगी बहन। मैं सिर्फ भाषण देने वाली नेताओं में से नहीं हूँ, तभी तो घर घर जाके लोगों की समस्याओं को समझ रही हूँ। आप लोग बिल्कुल हौसला रखे, मैं जरूर करूंगी, है ना। गोवर्धन नाम है मेरा, मैं ठेकेदार के पास जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था। एक रोज ठेकेदार ने मुझसे कहा कि अगर तुम एक अर्जी पर दस्तखत कर दोगे तो सरकार तुम्हें रहने के लिए घर देगी। मैं अनपढ़ था, इसलिए ठेकेदार ने मुझसे एक खाली कागज पर अंगूठा लगवा दिया। दूसरे दिन पुलिस ने मुझे रमाई के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। क्या? उन्होंने कहा कि तुमने खुद अपना जुर्म कबूल किया है, और मुझे वो कागज दिखा दिया। मैं लाख रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, जबकि रमाई का कत्ल खुद ठेकेदार के लड़के ने किया था। बड़ी मुश्किल से मैं जमानत पर छूटा हूं बहन। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख को, मैं समझ सकती हूँ। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये तो है, मैं कल जगमोहन जी से तो मिली और वो थोड़ा सा परेशान लगा। आपको सरपंच बनने के लिए बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग आप आइए इधर बैठिए 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 बहन बैठिए। मेरा सरपंच चुना जाना और बहन का पंच चुना जाना अपने आप में एक अजीब घटना तो है, क्योंकि पुरुषों के इस समाज में इन पदों पर आज तक कोई औरतें नहीं आई और कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। लेकिन आजकल पंचायतों में आरक्षण कर दिया गया है, जिससे कि हम औरतों की आवाज भी ऊपर तक सुनी जा सकती है। मैं जानती हूँ मेरे सरपंच बनने से महिलाओं को बड़ी उम्मीदें हैं, और मैं वादा करती हूँ कि मैं आप सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात मैंने गांव-गांव में घूम घूम कर देखी है और महसूस की है
की सारी मुसीबतों की जो जड़ है वो है निरक्षरता। और इसीलिए मैंने संकल्प किया है कि मैं औरतों को साक्षर बनाने का प्रोग्राम सबसे पहले करूंगी। आप लोग इतनी दूर दूर से पैदल आई, इतनी तकलीफें उठाई, मेरा स्वागत किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि हमारे पुराने नेता मेरे सरपंच चुने जाने से खुश नहीं है और वो मेरे काम करने में रुकावट भी डालेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जीत आखिर हमारी ही होगी। जीत तो हमारी ही होती मुखिया जी, लेकिन क्या बताऊं, वो नया पंचायती राज कानून बीच में आ गया भाई, हम लोग तो बिल्कुल ही बेकार हो गए। अब औरतें राज करेंगी भाई, हम लोग तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे। तुम किस पचड़े में पड़ गए बंसी पांडे? औरत और मर्द को आज के समाज में बराबर का अधिकार दिया जा रहा है, और फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन राज करता है भाई। इससे पहले भी हमारे यहाँ औरतें महारानी लक्ष्मीबाई जैसियों ने काफी अच्छी मिसालें कायम की है। वो तो इतिहास की बातें हैं मुखिया जी, आप और हमको तो इस गांव में ही रहना है ना। अब एक जमाना था कि जब ठाकुर जगमोहन सिंह का इस नरसिंहपुर पंचायत में कितना दबदबा था भाई, उसी को बंसी पांडे ने आगे बढ़ाया। बंसी, जुल्म और अत्याचार के शासन के साथ तुम मेरा नाम क्यों जोड़ रहे हो? मैंने तो हमेशा प्रजातंत्र को माना है और लोगों को साथ में लेकर काम किया है। आज भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई उंगली उठाकर ये कह सके कि मैंने कोई गलत काम किया है, लेकिन तुमने जो किया है वो तुम्हें मालूम है। अरे छोड़िए मुखिया जी, अब पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं ना होती ना। अरे मैं आपसे ये कहने आया था ठाकुर साहब कि अगर आपको और हमको अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को बनाकर रखना है ना, तो हम लोगों को चाहिए कि सविता देवी का काम एक दिन भी ना चलने दें। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं बंसी, और मुझे तो खुशी है कि सविता देवी पंचायत की सरपंच बन गई है। पंचायत तुम जैसों की मुट्ठी से मुक्त हो गई है। अरे अरे आप तो नाराज हो गए मुखिया जी, मैं तो आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि पंचायत के काम में कोई भी रुकावट मत डालना। अगर पंचायत के काम में तुमने कोई भी रुकावट डाली, अब आप हमको क्या समझाइएगा मुखिया जी। ठीक है भाई, हम तो ये सोच कर आए थे कि आप बूढ़े बुजुर्ग हैं, गांव के लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपकी बात सुनते हैं भाई, मैंने सोचा आपको साथ ले लूं और गांव की कुछ भलाई के काम कर दूं। ठीक है भाई, अब आपसे ज्यादा क्या कहूं मैं, चलता हूं। नमस्कार मुखिया जी। सविता देवी, पीने के पानी के लिए हैंडपंप लगाने का प्रस्ताव का क्या हुआ? प्रस्ताव मान लिया गया है, बस थोड़ा सा खर्च और रख रखाव की जो जिम्मेदारी है वो पंचायत को उठानी पड़ेगी। फिर हर बस्ती में एक हैंडपंप होगा और हर गांव में कम से कम 8 से 10 हैंडपंप लगा दिए जाएंगे। एक बात पूछूं सविता जी? जी। ये काम कब तक पूरा हो जाएगा? बहुत जल्दी से जल्दी, आप तो जानते हैं गर्मियां आ रही है और गर्मियां आने से पहले पीने की पानी की समस्या को हल कर लेंगे। चलो गाँव की औरतों को 2 किलोमीटर दूर से सिर पर घड़े भरकर रखकर लाने की मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आज मैं आप सब पंचों के बीच जो विचार करना चाहती हूँ वो समस्या थोड़ी गंभीर है। वो क्या? देखिए नानक चंद जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर परिवार जो हैं वो महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं, और हमारे गांव की महिलाओं की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अशिक्षा, अज्ञानता, निरक्षरता। ये बात तो सविता जी एकदम सही है। औरतों के साक्षर होने से ना केवल घर परिवार बल्कि पूरे समाज का माहौल बदल सकता है। हाँ, तो मैं आप सब पंचों की सहमति से अपने गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखना चाहती हूँ, जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन बाकी समस्याओं को छोड़कर यह प्रस्ताव लाना कहाँ तक उचित होगा? निरक्षरता से बड़ी समस्या क्या हो सकती है बिसेसर भाई? मैंने गांव-गांव घूमकर घर-घर जाकर देखा है कि लोगों के निरक्षर होने से उनका जीवन कितना दुखदायी बन जाता है। देखिए, आप मेरी बातों से ये मत समझिए कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैं तो बस
यूं ही कह रहा था कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को हम समझाएंगे, और वैसे भी दूसरे काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये काम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, आप इस काम को शुरू कीजिए। लेकिन इसमें आप सबकी मुझे बहुत मदद की जरूरत है। पंचायत में प्रस्ताव आने से पहले आप लोगों से मिलिए, उन्हें साक्षरता के महत्व को समझाइए, और गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने की आवश्यकता को महसूस कराइए। हाँ, जनमत तो तैयार करना होगा। और ये तो बड़ा पवित्र कार्य है, और फिर विद्यादान से बढ़कर क्या हो सकता है। आप बेफिक्र रहिए, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन बंसी पांडे के बारे में सोचना होगा। चलो, तुमने ही बने सरपंच तो क्या हुआ, अगली बार चुनाव लड़कर मैं सरपंच बन जाऊंगी। अरे ये बात तो मेरी खोपड़ी में आई नहीं। अरे भाई, तू सरपंच बन गई तो राज तो पीछे से मैं ही करूंगा। हाँ तो भूल जाओ, अब मैं पढ़ूंगी और पढ़कर सारे काम खुद करूंगी। तू पढ़ेगी? अरे तुझे पढ़ाएगा कौन? कहा ना, पंचायत की कोशिशों से गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जो खुलने वाला है। क्या क्या कहा, जरा फिर से तो कहियो। कहा ना, पंचायत की कोशिशों से गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जो खुलने वाला है, वहाँ हम सब गांव की औरतें पढ़ेंगी। चाहो तो तुम भी आ सकते हो। अच्छा, तो पंचायत ने गांव की औरतों को बहकाने की बात सोची है। क्या बोले तुम? अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ। अरे तुम गांव की औरतें जाके स्कूल में पढ़ोगी, अपनी घर गृहस्थी छोड़ के जाओगी हैं? और बच्चे घर में भूख से बिलकते रहेंगे, और तुम स्कूल में आ से अनार और ई से इमली पढ़ोगी। बस बस, बहुत हो गया। तुम मर्दों की इन्हीं बातों ने हम औरतों को आगे बढ़ने से रोका है। अरे लड़कियां क्या पढ़ेंगी, उन्हें तो चौका चूल्हा देखना है। पर अब ये सब नहीं चलने वाला। हम सब गांव की औरतों के साथ गांव की लड़कियां भी पढ़ेंगी। अरे चुप कर, देख तू जो भी कहे, इस वक्त मेरी सविता देवी से दुश्मनी चल रही है, और तू कान खोल के सुन ले, तू उनके साथ कोई काम नहीं करेगी। वाह, क्या बड़ी बात कही तुमने। चुनाव में हार जीत का मतलब दुश्मनी थोड़े होवे। और फिर ये तो सरकार और कानून का फैसला है कि सरपंच और एक पंच की जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित होवे। और फिर तुम तो चुनाव भी नहीं लड़े और बिना किसी कारण के सविता देवी को दुश्मन कहते हो। कितने अच्छे स्वभाव की है वो। बस बस, ज्यादा बड़बड़ मत कर, मैं समझ गया हूँ। तू चुनाव भी लड़ सकती है और भाषण भी अच्छा दे सकती है, पर एक बात समझ ले, सविता देवी की योजना चलने वाली नहीं है। मैं भी देखता हूं कि कैसे। अरे सविता देवी यार, नमस्कार, बैठिए। सुबह सुबह लगता है आपको हम पर विश्वास नहीं है। भाई मैंने कहा था ना कि मैं आपके साथ हूं, मैं किसी और की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं आपका जरूर साथ दूंगा। सविता देवी, आपका ये काम गांव से गरीबी और अज्ञानता मिटाने में बहुत काम आएगा। यूं भी प्रधान जी, मैंने गांव के घर घर में जाकर देखा है कि लोग निरक्षर होने की वजह से कितनी परेशानियां उठाते हैं, और इसीलिए मैंने संकल्प किया है। बस प्रधान जी, मुझे तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है। भैया, हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ है, लेकिन बंसी पांडे से जरा होशियार रहिएगा, मुझे उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। जी, इसकी जानकारी है मुझे, लेकिन बंसी पांडे से मैं नहीं डरती। इस कार्यक्रम के जरिए तो मैं उसको खुली चुनौती देती हूँ। अरे कन्हैया, अरे भाई वो गेहूं की बोरियां पहुंचा दी थी। अरे दादा दादा, वो अपना जग्गू है ना, वो पकड़ा गया, और उसने कहा है कि दादा से मेरी जमानत की बात करना। चुप है, अबे दोबारा उसका नाम मत लेना। अरे मैं किसी जग्गू फग्गू को नहीं जानता हैं? अरे बात सुन, मैं किसी की जमानत नहीं कराने वाला, जो जैसा करता है वैसा भरता है। पर दादा, अरे राधे, अरे दामोदर आओ भाई, इधर आओ। आओ भाई, अरे बैठो बैठो। जयराम जी की। जयराम जी की, आओ बैठो।
अरे भाई कुछ सुना तुमने? तुम्हारी बीवी कांता और राधे, तुम्हारी बीवी चंपा दोनों तो सविता के लिए काम करती है ना? अच्छा, अरे अरे इतनी बड़ी बात और तुमको मालूम नहीं भाई? नहीं बंसी भैया, उसका तो दिमाग खराब हो गया है, क्या करूं, औरत है, मैं कुछ बोल भी नहीं पाता। अरे भाई अब तो बोल भी नहीं पाओगे कुछ? अरे मालूम है, अरे गांव में औरतों और लड़कियों के लिए स्कूल खुलने वाला है। हाँ? भाई अब तुम्हारी बीवियां सविता के साथ काम करती हैं, वहां जाके वो पढ़ेंगी, अब पढ़ने के बाद औरतें कहीं काम करेंगी, भाई वो तो तुम लोगों को नौकर बना के काम लेंगी। अच्छा ये बात है? हाँ भाई, भाई जरा सोचो, जिन औरतों का काम भाई चूल्हा फूंकना, गृहस्थी चलाना, बच्चे पालना है, भाई जिनका काम है मर्दों की सेवा करना, अरे वो मर्दों पे राज करेंगी, भाई मर्दों से काम लेंगी, हमें तो नहीं अच्छा लगेगा। ये कभी नहीं हो सकता। अरे भाई ऐसा ही होने वाला है, देखो अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो भाई उन्हें जरा ठीक से समझाओ। देखो तुम लोगों को प्यास लगी होगी, ये लो हमारी तरफ से। आहा, तुम लो भाई ये। अरे वो दामोदर, वाह बंसी भाई मजा आ गया। बंसी भाई आप बहुत अच्छे हैं। समझो काम हो गया, अब राधे शेर बनकर घर जाएगा। ठीक से समझाना जरा उनको। चल 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 चल, एक मिनट, 10 रुपए और दो। लो दामोदर, लेकिन काम ठीक से करना, चिंता मत हो जाएगा। अच्छा दादा मैं भी चलता हूँ। हाँ जाओ जाओ। दादा एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप सुबह से इस बारे में कितने ही लोगों को समझा चुके हैं। भाई ऐसा है, नोट के छिलके पे अंडा रख दो। जी दादा। और उनसे कहो भैया छिलका तो रख लो जेब में और अंडा नेताजी पे फेंक दो। भाई ये राजनीति के चक्कर है। बंसी पांडे जो राजनीति का खेल खेल रहा है उसकी खबर तो है ना आपको? हाँ है, उसकी पत्नी मोहिनी ने मुझे सब बताया है। और क्या नाम है उन दोनों का? कांता और चंपा। हाँ कांता और चंपा बता रही थी कि बंसी पांडे ने उनके पतियों को कैसे भड़काया था, लेकिन वो दोनों भी पक्की निकली। उन दोनों ने अपने शराबी पतियों को वो सबक सिखाया कि हाँ बंसी पांडे ने भड़काया तो बहुत लोगों को, लेकिन हमारे गांव की औरतों में साक्षर होने के विचार से इतनी शक्ति आ गई है कि वो उनकी सुनने के बजाय उन्हें अपने तर्क सुनाती है। नथी भाई बिल्कुल ठीक कह रही है, गाँव की औरतों में साक्षर बनने का गजब का उत्साह है। ठीक है, फिर भी मैं कहूंगा कि आप बंसी पांडे से एक बार मिल ले। नहीं, इस वक्त मेरे बात करने का अर्थ होगा कि वो मुझे कमजोर समझ बैठेगा, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं। खैर मैंने अभी ये जरूरी मीटिंग 3 बातों के लिए बुलाई है। आज आप सवेरे जिला मुख्यालय भी तो गई थी? हाँ गई थी, और अधिकारियों से मैंने सारी चर्चा कर ली है, वो हमारे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र को हर संभव सहायता देने को तैयार हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो हमारी पहली सफलता है। और दूसरी समस्या, अरे हाँ मैं भूल ना जाऊं, आप लोगों ने जनमत तैयार करने में कितनी सफलता पाई है? महिलाओं की बात तो आप सुन ही चुकी हैं, और फिर बंसी पांडे ने जिनको भड़काया था उनका हल भी आपने जान ही लिया। बाकी सब लोग तो सहमत है। एक अच्छी खबर। क्या? ठाकुर जगमोहन सिंह के पास कुछ लोग पूछने गए थे, उन्होंने सबको समझाया कि साक्षरता के क्या लाभ हैं। आजकल वो रोज घूमने के बहाने आसपास के गांवों में जाकर सबको साक्षरता की जरूरत समझा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जगमोहन सिंह जी की इस इलाके में बहुत इज्जत है और लोग उनकी बात मानते भी। यूं भी साक्षरता आंदोलन जैसे कामों में ऐसे लोग आकर अगर मदद करते हैं तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आपकी दूसरी बात? हाँ, हमने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने का फैसला तो कर लिया, पर इसकी व्यवस्था किसे सौंपी जाए? हाँ इसके लिए तो कोई समर्पित व्यक्ति ही चाहिए,
जो पूरी लगन से इस केंद्र को चला सके। हाँ, ठाकुर जगमोहन सिंह की बहू मेरे से मिलने आई थी। वो बीए बीएड है, नौकरी करना नहीं चाहती लेकिन अपने आप को व्यस्त रखना चाहती है, इसलिए हमारे केंद्र को चलाने के लिए अपनी सेवाएं देना चाहती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, वे तो बड़ी योग्य हैं। लेकिन जगमोहन जी, वो कह रही थी मैंने उनसे पूछ लिया है, इससे वो खुश भी हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं सविता बहन से पूछ कर जवाब दूंगी। ठीक है, तुम उनको हमारी तरफ से जाकर कहो कि हम उनके इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और इस जिम्मेदारी को वही संभाले। चलिए, ये समस्या तो हल हुई, अब रही अंतिम और गंभीर समस्या, और वो ये कि आखिर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला कहाँ जाए। वाकई ये बड़ा गंभीर मसला है, हमें सबसे पहले इसी पर विचार करना चाहिए। फिलहाल तो ऐसी कोई जगह गांव में है ही नहीं। मेरा एक सुझाव है, पंचायत घर में अखबार पढ़ने और रेडियो सुनने का जो कमरा है वो दिन भर खाली पड़ा रहता है, क्योंकि लोग तो रात को ही रेडियो सुनने या अखबार पढ़ने आते हैं। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि दिन में तो लोगों को फुर्सत भी नहीं रहती। और दिन भर वहाँ पर गांव के मनचले लड़के बैठकर ताश पत्ती खेलते रहते हैं और सिगरेट बीड़ी का धुआं उड़ाते रहते हैं। यकीन ना हो तो आप लोग चलकर देख लीजिए। देखना क्या है, सबको मालूम है ये सब काम बंसी पांडे की शय पर होते हैं। हाँ, वहाँ बीड़ी सिगरेट के जले टुकड़ों की इतनी बदबू है कि पूछो मत। अच्छा, हमारा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र तो दोपहर को ही चलेगा, क्योंकि सुबह शाम तो औरतों को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। हाँ, टाइम तो दोपहर का ही लेना होगा। बिल्कुल ठीक है, इस तरह मनचले लड़कों का वहाँ जुआ वगैरह खेलना भी बंद हो जाएगा। एकदम सही सुझाव है। और इसका विरोध हुआ तो उससे मैं निपट लूंगी। ठीक है, पर आप बंसी पांडे को विरोध का एक बड़ा मुद्दा दे रही हैं। अरे ऐसे जम के विरोध करो इसका कि सारा गांव हिल जाए। बता दो उन्हें कि आग से खेलने का क्या मतलब होता है, दिखा दो उनको युवा शक्ति क्या होती है, लड़कों के मनोरंजन की कोई कीमत ही नहीं रही। ऐसे ही युवा शक्ति की उपेक्षा करेंगे वो लोग। दादा, कहो तो उस कमरे को मिट्टी का तेल डालकर जला दो। दो, खत्म कर दो, अरे मिटा दो। लेकिन भाई, उस कमरे को नहीं, क्या होगा उससे, कुछ नहीं। मिटा दो सविता देवी के प्रस्ताव को। कल पंचायत की मीटिंग है ना, सारे युवक मिलकर जम के विरोध करो। अरे गड़बड़ी फैला दो मीटिंग में, ठप कर दो। ठीक है, कल ऐसा ही होगा पंचायत की बैठक में। समझ गए ना? हाँ? पंचायत की बैठक। सविता देवी, महिला एकता। देखिए, जब आप नारे लगाकर थक जाएं तो मेरी बात आराम से सुन लीजिएगा। बंसी पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंसी पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले इन युवकों की शिकायत सुन ली जाए, क्योंकि इन्हें हमारे एक बड़े नेता ने उकसाया है। इन युवकों का विरोध इसलिए है कि हम पंचायत घर के मनोरंजन कक्ष में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलने जा रहे हैं, जहाँ पर ये युवक अभी तक बैठा करते थे। अब दो बातों का फैसला आप लोगों ने खुद करना है। पहली बात तो ये कि क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके लड़के सारा दिन उस कमरे में बैठकर ताश पत्ती और जुआ खेला करें, बीड़ी सिगरेट के साथ साथ अन्य नशे करें, या दूसरी बात कि उस कक्ष में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोलकर गांव की खुशहाली के लिए कार्यक्रम चलाया जाए। मैं आप सभी से विनती करती हूं कि आप सब एक ही स्वर में अपना फैसला सुनाएं। लीजिए, तो आज पंचायत सभा जिस प्रस्ताव को पास करने के लिए बुलाई गई थी, वो प्रस्ताव तो अपने आप ही पास हो गया। अब मैं सहर्ष घोषणा करती हूँ कि हमारे गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुलेगा। महिला साक्षरता, महिला साक्षरता, सविता देवी, सविता देवी, महिला साक्षरता, सविता देवी।
अब मैं जगमोहन जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमारे बीच आकर दो शब्द कहें। जगमोहन जी, देखिए मैं आप लोगों से थोड़ी ही बात करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पंचायत एक प्रजातांत्रिक शासन का छोटा रूप है। गलत बात का विरोध करना ठीक है, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना यह ठीक नहीं। इस तरह से हम लोग अपने ही पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। मेरा इशारा जिस तरफ है आप लोग समझ ही गए होंगे। दूसरी बात यह है कि प्रौढ़ शिक्षा हम सब गांव वालों के लिए एक वरदान है, और इस शुभ कार्य में मेरी बहू, मेरे स्वर्गीय बेटे संजय की पत्नी अपना पूरा समय देगी। इस बात की अनुमति मैंने उसको दे दी है। और आखिरी बात, मेरे पास एक बहुत बड़ा गोदाम है भूसे और चारे का, जिसे मैं खाली करकर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र को दान देना चाहता हूं। जब तक गोदाम खाली होता है कक्षाएं वहीं लगेंगी, उसके बाद गांव के लड़के वहां जुआ खेले, चरस पिए, ये वो जाने, या आप जाने या फिर बंसी पांडे जाने, हमें मतलब नहीं। महिला साक्षरता जिंदाबाद, सविता देवी जिंदाबाद, महिला साक्षरता जिंदाबाद। जब समझो तब ही भला, जब समझो तब ही भला, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात। उम्र गवाई बिन पढ़े, उम्र गवाई बिन पढ़े, समझ न आई बात, समझ न आई बात। जब समझो तब ही भला, जब समझो तब ही भला, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात, जागो तभी प्रभात। पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात, पढ़ना लिखना सीख कर समझो सारी बात। बिना समझ ही